अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे। आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगी कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जी, अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बनेगा स्वीट कॉर्न चाट। तो इसके लिए मैंने यहाँ कॉर्न को उबाल लिया है अच्छे से, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला। तो कई बार क्या होता है, कॉर्न के दाने निकालने में हम लोगों को बहुत परेशानी होती है अगर कॉर्न कच्चे हैं। तो इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि कॉर्न को अच्छे से उबाल लेना चाहिए। उबालने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनके जो दाने हैं ना बड़ी इजीली निकल जाते हैं और फिर हम लोग चाट बना सकते हैं। वैसे मार्केट में भी स्वीट कॉर्न मिलते हैं, उनका भी आप आराम से चाट बना सकते हैं, पूरा पैकेट मिलता है। लेकिन अगर घर पर बनाना हो तो इस तरीके से आप घर पर भी कर सकते हैं। तो हमारे मिट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है अनार के दाने और कॉर्न के दाने। तो थोड़े से दाने मैंने मिट्टू को दे दिए हैं और आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मिट्टू कहाँ है, मिट्टू कहाँ जाएगा, मिट्टू तो घर में ही रहता है। और ज़्यादातर टाइम मिट्टू का मेरे साथ किचन में गुजरता है, क्योंकि मेरा टाइम भी किचन में गुजरता है, तो जाहिर सी बात है हमारा मिट्टू भी किचन में ही रहता है। बस ये बात अलग है कि मैं आप लोगों को कभी कभी ब्लॉग में दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा आज दिखा देते हैं, मिट्टू की छोटी सी क्लिप भी बना लेते हैं। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ चाट बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं इनके दाने अलग कर लूँगी। तो दाने अलग हो चुके हैं, ये देखिए मैंने सारे के सारे दाने निकाल लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें बटर डाला है। बटर से हमारे जो चाट होता है ना, चाट में बहुत ही अच्छा एक नमकीन सा टेस्ट आता है, इसलिए थोड़ा सा बटर डाल दो इसके अंदर। और गैस ऑन कर दी है मैंने, और इस पर बटर को हमें इसके अंदर सुखाना है अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाए पूरा, तब उसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें ऐड करना है। कई बार हमारे पास चाट मसाला नहीं रहता तो नींबू का रस रहता है ना, नींबू का रस आप इसमें ऐड कर सकते हो थोड़ा सा। बस ये यम्मी सा हमारा चाट बनकर तैयार है, स्वीट कॉर्न चाट। और अगर आप प्याज और टमाटर पसंद करते हैं तो बारीक कट करके इसमें प्याज और टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अब वो आपकी मर्ज़ी। मैंने तो खैर आज ये सिंपल सा स्वीट कॉर्न चाट बनाया है, और ये चाट सच में बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है। और हमारे साथ साथ हमारे ट्विंकल और ओडी के नाश्ते का भी टाइम हो गया है, उनके नाश्ते का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तब उनके खाने का भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर इनको नाश्ता मैं दे देती हूँ, और जैसे ही ये डिब्बा मैं हाथ में लेती हूँ, इस डिब्बे को मैं बजाती हूँ, हिलाती हूँ, तो आवाज़ सुनकर फटाफट से दौड़े दौड़े आते हैं कि चलो हमारे खाने का टाइम हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं अभी खा रहे हैं ये इनका नाश्ता बड़े प्यार से। और ये दाना इनका बहुत फेवरेट है, दाना खैर यहाँ पर नहीं मिलता है, ये हमें कोटा से मंगाना पड़ता है, बारा में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत सारे सामान ऐसे हैं इनके जो बारा में नहीं मिलते, कोटा से ही मंगाने पड़ते हैं। तो आज देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे दिनों के ये कपड़े रखे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश ख़त्म हो, कब जल्दी से कपड़े धोऊं, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर हम कपड़े धोकर भी डाल देते हैं ना, तो उनमें सीमी सीमी सी स्मेल आने लगती है। तो आज तो जो हमारी किराएदार वाली ऊपर वाली भाभी हैं, वो भी देखकर कहने लगी कि आज कितने सारे कपड़े धोए हैं आपने, नीचे वाला तार भी भर दिया, और जो आपके नल वाला पास में जो तार है वो भी भर दिया, और अब छत पर भी आ गई कपड़े डालने के लिए। तो क्या करती है अब, देखिए नहाना धोना तो होता ही है रोज़, और कपड़े भी रोज़ ही होते हैं। तो मैं सारे इकट्ठे कर रही थी, सोचा था जैसे बारिश थम जाएगी ना, उस दिन इकट्ठे लेकर बैठूंगी सारे के सारे कपड़े। तो आज सारे धो दिए मैंने, और आज धूप तो निकल नहीं रही, बस मौसम ऐसा है कि पानी नहीं बरस रहा, बस थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। तो अब दो सीढ़ियाँ पार कर कर ऊपर आना पड़ता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कपड़े डालते डालते कि पानी ना आ जाए, यहाँ तो कपड़े डालकर तो मैं जा रही हूँ लेकिन पानी ना आ जाए, फिर मेरी मेहनत होगी, मुझे दोबारा ऊपर आना पड़ेगा, वही दो सीढ़ियाँ पार करके फिर ऊपर आओ, पैर दुखने लगते हैं उसमें। लेकिन क्या करें, नीचे तो जगह ही नहीं थी, कहाँ डालती कपड़े। तो जब तक तेज़ धूप नहीं आ जाएगी ना, जब तक ऐसा ही रहेगा हमारे यहाँ। बारिश तो बंद हो चुकी है,
लेकिन तेज़ धूप आना भी ज़रूरी है। तो चलिए अब नीचे आ गई हूँ मैं, अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से पनीर कोफ्ता। मुँह में पानी आ गया ना, पनीर कोफ्ता नाम सुनते ही। आप लोग बनाते हैं क्या? अगर आप लोग बनाते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और वैसे मैं कई बार बना चुकी हूँ पनीर कोफ्ता, लेकिन शेयर आज मैं आप लोगों के साथ पहली बार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम तो पनीर लिया है, और इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल लो। और इसके बाद हमें इसमें मैदा डालना है बाइंडिंग के लिए, और इसके साथ ही इसे अच्छे से इसका हमें डो बनाकर तैयार करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और ये कोफ्ते जो होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मेरे बच्चों को तो इतने पसंद हैं कि जब मैं इनको फ्राई करती हूँ ना, तो उस टाइम ही कोफ्ते मांग लेते हैं कि मम्मी दो, फ्राई करते टाइम ही पसंद आते हैं इनको। और फिर जब ग्रेवी में डालती हूँ, फिर तो खाते ही खाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स हमें बनाकर इसकी तैयार करनी है, और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लेना है। और जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, तो सब्जियों के मामले में तो सोचना पड़ता है। क्योंकि कई बार हम लोगों के घर में सब्जी नहीं रहती, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और सच बताऊँ तो सारी टेंशन लेडीज़ की रहती है। अब इनसे पूछो हस्बैंड से कि क्या बनाएं, तो वो तो कहते हैं तुम अपने हिसाब से बना लो। अपने हिसाब से तो फिर सोचना पड़ता है ना कि क्या बनाएं अपने हिसाब से भी। तो मेरे यहाँ पनीर रखा था, पहले तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी पनीर टिक्का बना दो। फिर मैंने बच्चों से कहा कि चलो पनीर कोफ्ता बना लें। फिर बच्चे राज़ी हो गए कि हाँ मम्मी पनीर कोफ्ता बना लो। फिर यही डिसाइड हुआ ये पनीर कोफ्ता बना लेते हैं। तो बस ये इनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। और कल मेरे कैमरे में थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आप लोगों को रोशनी कुछ ज़्यादा आ रही होगी, काफ़ी ब्राइटनेस, इस वजह से। बाद में वो प्रॉब्लम फिर सही की है, हो जाता है, क्या करें कभी कभी ऐसा। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल में थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और दो टमाटर मीडियम साइज के, इनको रफली काट लिया है मैंने। और अभी इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो पहले इनको थोड़ा सा इसमें काजू भी डाले हैं मैंने, थोड़ी देर इन्हें चला लेते हैं अच्छे से, फिर इनको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करके इनका एक फ़ाइन सा पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। तो फाइन पेस्ट मैंने बनाकर इसका तैयार कर लिया है। यहाँ पर थोड़े से ऑयल में मैंने जीरा डाला है, एक जावित्री का टुकड़ा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें मैंने। और अब जो पेस्ट मैंने तैयार किया था ना, वो पेस्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ऊपर से कुछ सूखे मसाले हैं, जैसे नमक है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, वो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है। फिर हम करेंगे मसाले की अच्छे से भुनाई। इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हो, और मलाई की जगह अगर आप चाहो तो हल्का सा इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम कोफ्ता बना रहे हैं तो कोफ्ते में मलाई या दूध अच्छा लगता है, एक अलग सा टेस्ट आता है उसमें। तो बस इसकी मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी। उसके बाद में इसमें ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है हमें, तो पानी डालूंगी। और पानी में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि कोफ्ते पानी सोख लेते हैं, बाद में ये ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें ग्रेवी में हमें जितना पानी दिखना चाहिए उतना पानी नहीं दिखता है, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डालूंगी। तो कर लेते हैं अच्छे से मसाले की भुनाई, और देखिए भुनाई भी हो चुकी है। अब डाल देते हैं इसमें पानी, और जब हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा, अच्छे से खदकी आ जाएगी, तब लास्ट में हम कोफ्ते डालेंगे। लेकिन कोफ्ते डालते टाइम आपको याद रखना है गैस बंद कर देना है, बंद करने के बाद ही आपको इसमें कोफ्ते ऐड करना है, क्योंकि हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं ये वाले, नहीं तो आपकी गैस ऑन है और उसमें अगर आपने कोफ्ते डाल दिए ना, तो फिर कोफ्ते पूरे बिखर जाएंगे, फिर वो कोफ्ते नहीं रहेंगे ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो बस ये कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हरा धनिया है तो ऊपर से आप ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई ली है, दूध की फ्रेश मलाई, घर की मलाई है ये, और ये मलाई मैं चम्मच से ऊपर से इसमें डाल देती हूँ, इससे इसमें बहुत ही अच्छा एक क्रीमी सा टेस्ट आता है हमारे कोफ्ते में। तो बस कोफ्ते बनकर तैयार है, और आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर बनाएं। मैं हो चुकी हूँ तैयार, और आज ये देखिए मैंने मेहरून वाला सूट पहना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं जाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, और मैंने एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करके रख रखी है ग्रोसरी की। ग्रोसरी लेकर आनी थी, अब देखिए 8-9 दिन हो गए पानी बरसते बरसते, बस आज टाइम मिला है, क्योंकि आज पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, और काफ़ी टाइम से जी हमारे यहाँ ग्रोसरी ख़त्म हो रही है।
अब कुछ चुटपुट सामान है तो वो यहाँ से मंगा लेती हूँ मैं। हमारे यहाँ भी एक छोटा सा मार्केट है। खैर पहले तो ये मार्केट नहीं था, जिस टाइम मेरी नई नई शादी होकर आई थी उस टाइम तो देखिए मकान तक भी नहीं थे यहाँ पर, मतलब खाली प्लॉट पड़े हुए थे और बिल्कुल वीराना सा लगता था। तो अब तो माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मार्केट भी बन गया है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ से हम लोग ले आते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पर नहीं मिलती, उसके लिए तो फिर हमें मार्केट ही जाना पड़ता है। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर से, मैंने सोचा थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेते हैं। अब देखिए ग्रोसरी में ये होता है कि कई सामान, वैसे तो मैं मंथली मतलब शॉपिंग करती हूँ ग्रोसरी की, पूरा सामान मेरा मंथली आता है, लेकिन ऐसा होता है कई सामान हमारे की बीच बीच में यूज होते रहते हैं तो खत्म भी हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि लेकर आ जाए वो सामान, तो ये यहीं से लेकर आ जाते हैं हम पास से। ऐसा नहीं है कि मेरी जो पूरी ग्रोसरी है वो पूरे महीने भर चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ सामान ज्यादा यूज आ जाते हैं तो वो खत्म होने ही होने हैं फिर तो। चलिए अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी की शॉपिंग करने और आप लोग भी हम लोगों के साथ मार्केट चलिए, आज सच में काफी टाइम बाद मार्केट जाना हो रहा है। खाना मैंने कंप्लीट कर लिया है, आटा लगा लिया है और सब्ज़ी भी मैंने तैयार कर ली है पनीर कोफ्ता की। तो आज खाने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, अब बस मार्केट में मुझे भले ही कितना भी टाइम लग जाए, नहीं तो फिर इस चक्कर में मुझे जल्दी घर भी आना पड़ता था। और ज़्यादातर मैं वही दाल चावल बनाती थी, आप लोगों को भी पता है ना जल्दी से वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट। लाल मसूर की दाल 1 किलो और 1 किलो काली वाली मसूर की दाल है ना, खड़ी मसूर सफेद उड़द की दाल 1 किलो ले लो। 1 किलो काली उड़द की दाल, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो चने की दाल, उसका एक और पैकेट दे देना, 1 किलो तुअर की दाल, अरे एक मोटा साबुन दाना पैकेट छोड़ दो, हरी मूंग की रख दी, पीली मूंग की, पीली मूंग की भी रख दी, पीली मूंग नहीं रखी है, हरी मूंग रखी आपने, 1 किलो पीली मूंग कर दो, पीली मूंग भी काम आती है, काले चने मिल जाएंगे ना, अगर 4 आइटम तो डिग्गे में 4 आइटम मिल जाएंगे, और 18 नंबर कोई नहीं, चॉकलेट वालों कॉम्प्लान दो, बासमती राइस वाला 5 किलो प्रीमियम नारियल का बुरा मिल जाएगा कितना, और वो कतरन वाले मूंग के पापड़ आते थे तो हो चुकी मेरी सारी ग्रोसरी शॉपिंग। और हम लेडीज़ को जिन जिन सामान की ज़रूरत पड़ती है वही सामान मैंने लिए हैं, क्योंकि हम लेडीज़ को ही घर चलाना पड़ता है तो हमें पता रहता है कि घर में क्या क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ हमें मार्केट से लेकर आना है। और आप लोगों ने देखा दालें मैंने कुछ ज़्यादा ही ली हैं, वैसे कहते हैं कि बारिश के मौसम में दाल चावल में कीड़े पड़ जाते हैं क्योंकि बारिश का मौसम कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ दालों के अंदर जो खड़ा नमक होता है खड़ा नमक डाल के रख देती हूँ, दाल हुए या चावल हुए तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं उसके अंदर। और मेरी सास भी ऐसा करती थी तो ये ट्रिक मैंने मेरी सास से ही सीखी है। और वैसे तो मार्केट में आजकल गोलियाँ मिलती हैं, उन गोलियों को कपड़े में बांध कर हम दाल चावल के अंदर रख सकते हैं, इससे हमारे दाल चावल ख़राब नहीं होते हैं।
तो बस अब मैं घर के लिए रवाना होंगी, लेकिन घर के लिए रवाना होने से पहले मुझे बेकरी पर भी जाना पड़ेगा। बच्चों की पसंद की नमकीन और जो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं ना, वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी टाइम से उन्हें खाने को भी नहीं मिल रहे वो वाले बिस्किट, कि मम्मी वो वाले बिस्किट ज़रूर लाना। तो चलिए अब मैं वहाँ जाऊँगी पहले, और उसके बाद फिर सीधे घर के लिए रवाना होंगी। मार्केट से लौटते टाइम यहीं पर हमारी कॉलोनी आते आते मेरी स्कूटी फिसल गई और मेरा पैर स्कूटी के नीचे आ गया। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और देखिए, आप सभी लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे क्या हो सकता है। तो ज़्यादा पैर में चोट नहीं आई, और उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब मैं घर पर आई तो एकदम से मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया, और पैर पर सूजन भी आ गई थी। तो अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पर आयोडेक्स की मालिश कर रहे हैं, आयोडेक्स से सूजन वगैरह भी कम हो जाती है, और थोड़ा सा दर्द में फ़ायदा होता है ना, इसलिए। अब मैं ले लेती हूँ कुछ विवश के नाम। एक तो शहनाज खान जी हैं, यास्मीन सोलंकी हैं, महरीन कुरैशी हैं, शमीना है, मुबीन है, रफत करीम है। तो आप सभी ने जिन जिन के लिए दुआ कराई है, आप लोगों की जो जो परेशानियाँ हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। यास्मीन जी हैं, उन्होंने शिफा के लिए दुआ कराई है, इनके लिए भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हम सभी को दुआओं में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।